Good morning. Myself Sumaiya Miss. Today I will teach you EVS subject lesson number 16, sensory organs. Can you tell? Thigh is blindfolded. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं आपको दिखाई दे रहे हैं. उस पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है एक बच्ची है, एक लड़की है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है. Then how did she tell what sound she was hearing? उसको कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा है और वो आवाज़ किस प्रकार आ रहा है, यानी कहाँ कैसा आवाज़ है, क्या वो समझ सकती है? What are the different things that thigh has in her hand? कि ताई को समझ में आ रहा है उसके हाथ में क्या है. हाउ डज द बॉय गेज, वो ताई के हाथों में क्या है, वो बच्चा कैसे गेज करेगा. वॉट दे आर इवन वेन ही इज़ ब्लाइंड फोल्डेड, उसके भी आंखों पर पट्टी. जब ताई को आवाज़ आ रहा है तो वो कैसे फील करेंगे, कानों से कानों से सुनेंगे कि ये ताली का आवाज़ है जो हम हाथों पे बजा रहे हैं. उसके हाथ में फ्लावर है, यानी वो जो सामने जो बच्चा है वो कैसे समझेगा अपनी नोज से स्मेल लेकर कि ये फ्लावर है. Both of them are blindfolded now. अब देखो दोनों भी बच्चे हैं, ताई और भैया दोनों भी blindfolded है now. But they can tell which is a woolly sweater and which is a cotton shirt. एक बच्चे के हाथ में वुलन का स्वेटर है और एक बच्चे के हाथ में कॉटन का शर्ट है, तो वो कैसे फील करेंगे हाथों से टच करके, यानी स्किन से टच, हाथों से टच करके फील करेंगे कि कॉटन है और एक वुलन है. हाउ डू दे डू दैट, वो कैसे करेंगे. यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस एंड अदर सिंपल एक्सपेरिमेंट्स विद द परमिशन ऑफ योर एल्डर्स, आप भी घर पे आपके बड़ों की हेल्प लेकर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. अ न्यू टर्म, सेंसरी ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स, एन ऑर्गन दैट टेल्स अस अबाउट अवर सराउंडिंग्स. एक सेंसरी ऑर्गन्स और सेंस ऑर्गन्स है जो हमारे सराउंडिंग के बारे में भी बताता है, जैसे कि अवर आइज, हम आँखों से देख सकते हैं, ईयर्स, हम कानों से सुन सकते हैं, नोज, हम नाक से स्मेल ले सकते हैं, टंग, हम जबान से हमारी यानी टेस्ट कैसा है वो देख सकते हैं, एंड स्किन, हमारी जो स्किन है हम स्किन से फील कर सकते हैं. हाउ आर अवर सेंसरी ऑर्गन्स आर सेंस ऑर्गन्स, अवर फाइव सेंसरी ऑर्गन्स, हमारे पास फाइव सेंसरी ऑर्गन्स हैं. हम देखेंगे कौन. इमेजिन यू आर वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, आप रोड से जा रहे हो. देयर इज अ डिच अहेड, यू सी इट एंड यू वॉक अराउंड इट, बीच में गड्ढा सा है आप उसे देख सकते, इसीलिए आप उसको वहाँ पे नहीं जाएंगे, आप साइड से जाएंगे. वॉट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट सी द डिचेस, अगर आप वो गड्ढे नहीं देखेंगे तो आप क्या होगे, गिर जाओगे. You are playing in your neighborhood. Suppose आपके नेबर में खेल रहे, suddenly you hear thunder. You are able to reach your house before it begins to rain. अचानक आप खेल रहे हो आपके नेबर में और अचानक से बादल बरस रहे, बादल गड़गड़ा रहे, बारिश होने वाली आपको फील हुआ, तो आप तुरंत भागकर आपके घर जा सकते हो. What would happen if you do not hear the thunder? क्या होगा अगर आप गड़गड़ाहट नहीं सुनोगे, सपोज़ आप बहरे और आपको सुनाई नहीं देगा, फिर आप बारिश आएंगे आप भीग जाओगे. इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन अवर सराउंडिंग, हमें ये ज़रूरी है कि हमारे जो आसपास जो हो रहा है हम उसे देख सके, सुन सकते, फील कर सके. इट हेल्प्स अस टू डिसाइड व्हाट टू डू इन एनी सिचुएशन एंड वी कैन कीप अवरसेल्फ सेफ. अगर हमारे पास ये सेंसरी ऑर्गन्स नहीं होंगे तो सोचो हमारा हाल क्या होगा, हम इससे लड़ सकते नहीं. हाउ, यानी हमारे पास ये बॉडी में हमारी पार्ट्स होना कितने ज़रूरी है. हाउ डू वी सेंस व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस, यानी हमारे आसपास क्या हो रहा है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है. हाउ डू वी सेंस व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस, इट इज़ अवर आइज, हमारी आँखें, हमारे कान, हमारी नोज, हमारी टंग, हमारी स्किन, विच टेल अस अबाउट अवर सराउंडिंग, ये सब हमारे सराउंडिंग के बारे में हमें बताते हैं. देयरफॉर दे आर कॉल्ड अवर सेंसरी ऑर्गन, इसीलिए हम उन्हें हमारे सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं. कैन यू टेल, नेम द थिंग्स इन द पिक्चर्स फ्रॉम देयर आउटलाइंस, देखो यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं और आपको बताना है कैसे उनके आउटलाइनिंग की, वो पिक्चर्स कौन से, आप तो बता सकते हैं आपकी आँखों से देखकर. नेम द थिंग्स इन द पिक्चर्स एंड देयर कलर्स, सेकेंड इसमें कुछ पिक्चर्स दिए हुए वो तो आप देखकर एकदम से बता सकते हो कि वो क्या है, ऑरेंज है, क्रो है, लालटेन है, टोमेटो वगैरह वगैरह आप बता सकते हैं. हम सेंसरी ऑर्गन के फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हमारी आईज, आँखें. इट इज़ विथ अवर आईज डैट वी कैन सी, हम हमारी आँखों से क्या कर सकते हैं, हम हमारी आँखों से देख सकते हैं. वी कैन टेल द कलर ऑफ द थिंग्स, हम चीज़ों का कलर कैसा है वो बता सकते हैं. वी कैन टेल देयर शेप, हम उसका शेप कैसा है वो बता सकते हैं. वी कैन ऑल्सो गेज द डिस्टेंस ऑफ थिंग्स फ्रॉम अस,
यहाँ से वो कितने दूर रखा है चीज़, या हम कितने दूर है, या वो बस आ रही है या वो ट्रेन आ रही है, वो कितने दूर है, हम हमारी आँखों से देखकर बता सकते हैं। ट्राई दिस, प्ले अ गेम कर्वे पॉइंटी टाइगर क्लॉज पीपिंग आउट ऑफ पैडेड पॉज। एवरी स्टूडेंट्स विल गेट अ टर्न टू बी इट, इट विल बी फेस द ब्लैक बोर्ड एंड कवर इज। लुका छुपी खेलते हैं ना, उसी प्रकार का खेल है। विल फेस द ब्लैक बोर्ड एंड कवर इज, क्या करना है, ब्लैक बोर्ड के पास जाना है और अपना फेस टर्न करके हाथ रखकर देना है। द टीचर सिलेक्ट्स फाइव अदर स्टूडेंट्स, और फिर टीचर फाइव अदर स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम देयर ओन प्लेस, उनकी जगह पे से। ईच ऑफ दिस फाइव चिल्ड्रन विल टेक टर्न्स टू से लाउड एंड क्लियर कवे पॉइंटी टाइगर क्लॉज पिपिंग आउट ऑफ पॉडेड पॉज, इट मस्ट लिसन केयरफुली एंड गेज हुज वॉइस इट वॉज। ये सेंटेंस आपको बोलना है, और इसमें से जो नीचे पांच बच्चे बैठे उसमें से कोई एक बच्चा ये बोलेगा, और जो दे रहा है राज, जो दे रहा है वो बच्चे को पहचानना है कि वो किसकी आवाज़ है। शी गेजेज द नेम ऑफ ऑल फाइव चिल्ड्रन, ही शी गेट्स अ पार्ट ऑन द बैक फ्रॉम द टीचर, और उसको वो पहचानना है। ऐसा हम आप घर पे भी ये गेम खेल सकते हो। सेकेंड सेंसरी ऑर्गन से है हमारे कान, ईयर्स, वी हियर विथ अवर ईयर्स, हम हमारे कानों से सुन सकते हैं। मेनली वी कम टू नो वॉट अ पर्सन इज सेइंग टू अस, सामने वाला हमसे क्या कह रहा है हम वो सुन सकते हैं। द ईयर्स ऑल्सो टेल अस वेदर द साउंड वी हियर इज स्वीट और हार्श, हम हमारे कानों से ये सुन सकते हैं वो आवाज़ जोर से आ रही है या स्लोली आ रही है। दे कैन टेल अस वेदर द साउंड इज दैट ऑफ ए बर्ड और एन एनिमल, यानी वो जो आवाज़ है, जो साउंड आपको सुनाई दे रहा है, वो बर्ड का है या एनिमल का है। दे ऑल्सो टेल अस विच डायरेक्शन अ साउंड इज कमिंग फ्रॉम, और हम ये भी महसूस कर सकते हैं कि कौन से डायरेक्शन से वो आवाज़ आ रही है। किससे यूज़ होता है, हम ये कैसे समझ रहे हैं, हमारे कानों से। सपोज़ हम बहरे हो गए तो ये हमें सब सुनाई देगा नहीं, इसीलिए हमारे कान भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Why is mother saying don't eat this mango? ये एक पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर में कि माँ कह रही है कि मैंगो मत खाओ। अब नोस, हम नोस के बारे में पढ़ेंगे। We can smell with us nose, हम हमारे कुछ भी स्मेल लेनी हो तो हम हमारे नोस से लेते हैं। We perceive the smell of a fragrant flower or incense stick because of the nose, हम हमारे नोज से हर प्रकार की स्मेल ले सकते हैं। अगेन इट इज़ द नोज विच टेल अस डैट देयर इज़ अ फुल स्मेल इन द एयर और डैट द फूड इज़ स्पॉइल, हम ये भी महसूस कर सकते हैं हमारे नाक से स्मेल लेके कि ये फूड अच्छा है या ख़राब हो गया। एट सच टाइम वी टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस, और हम किसी भी यानी हम टाइम पर उसका प्रिकॉशन ले सकते हैं कि वो सब्ज़ी है, जो भी चीज़ है, वो ख़राब ना हो। यूज़ योर ब्रेन पावर, अब आपका ब्रेन पावर यूज़ करना है। इन समर हाउ कैन वी टेल विदाउट इवन लुकिंग आउटसाइड दैट इज़ रियरिंग नियर बाय, आप बिना देखे बता सकते हो ना कि बाहर बारिश आ रही है करके, बता सकते हो ना, कैसे बता सकते हो। वॉट वुड बी द बेनिफिट ऑफ नोइंग द डायरेक्शन फ्रॉम विच अ साउंड कम्स, आप ये भी बता सकते हो कि कौन से साइड से साउंड आ रहा है। व्हाट्स द सोल्यूशन, अब आपको सोल्यूशन देना है। देयर इज अ फॉल स्मेल इन द हाउस, स्मेल घर में अजीब सी स्मेल आ रही है। अ फूड आइटम इज गिविंग आउट अ रोटन स्मेल, और जो फूड आइटम है उसमें से अजीब सी बदबू भी आ रही है। अभी हम टंग के बारे में पढ़ेंगे, ये भी हमारा सेंसरी ऑर्गन्स है। टंग, वी कैन टेस्ट विथ अवर टंग, हम हमारी टंग से क्या करते हैं, टेस्ट ले सकते हैं। शुगर एंड जैगरी आर स्वीट, शक्कर और गुड़ दोनों भी मीठे होते हैं। बिटर गुड़ इज़ बिटर, लेमन एंड रॉ मैंगोज आर सोर, करेला होता है कड़वा होता है, लेमन होता है खट्टा होता है, और मैंगो है मीठा होता है, यानी वो कैसा है, खट्टा मीठा। हम ये सब चीज़ों की टेस्ट हमारे टंग से ले सकते हैं। सॉल्ट इज सॉल्टी, नमक जो है वो खारा होता है। इट इज़ ड्यू टू द टंग डैट वी नो दिस टेस्ट, इफ वी ईट अ चिली अवर टंग गेट्स अ बर्निंग सेंसेशन, वी से डैट द चिली इज हॉट, अगर हम मिर्ची खाएंगे तो फौरन समझ जाएंगे कि ये बहुत, उसका टेस्ट कैसा, यानी हम हमारी जलन शुरू हो जाएंगी। अनदर गेम फील इट टू फाइंड आउट, यहाँ पर और एक एक गेम है आपको बताया हुआ है, वो भी आपको करना है। यू कैन प्ले दिस गेम विथ फोर और फाइव ऑफ योर फ्रेंड, आप ये गेम आपके चार पांच दोस्तों के साथ खेल सकते हो। टेक अ बिग कार्डबोर्ड कार्टून, आपने क्या करना है, एक कार्डबोर्ड कार्टून बॉक्स लेना है। मेक अ होल इन वन ऑफ इट्स साइड, और उसको एक साइड से होल करना है। जस्ट बिंग इनफ फॉर योर हैंड टू गो थ्रू, आपका हाथ जाए इतना बड़ा वो होल होना चाहिए। प्लेस सम स्मॉल थिंग्स इन द बॉक्स, फॉर एग्जाम्पल एन इरेजर, अ कॉइन, अ पीस ऑफ ए पेंसिल, ए पेबल, ए टर्माइंड सीड एक्सेट्रा, ये सब वहाँ होना चाहिए। टेक टर्न्स एट प्लेइंग दिस गेम, पुट योर हैंड थ्रू द होल, पिक अप वन थिंग्स एंड गेज,
ये सब सामान आपने बॉक्स के अंदर रखना है और एक एक करके हाथ डालना है और देखना है कि आपके हाथों में कौन सी चीज़ें आ रही है और आपको उसको पहचानना है। स्किन, अब हम स्किन के बारे में पढ़ेंगे। वी कम टू नो इफ समथिंग वी टच इज हॉट और कोल्ड। जब हम उसे हाथ लगाएंगे तभी हमें समझ में आएगा कि ये हॉट है या कोल्ड है। अब कोई गर्म चीज़ को तो आप हाथ लगा के नहीं, लेकिन उससे जो भाप निकलती है, जो गर्म चीज़ होती है उसमें से भाप निकलती, तो आप फौरन देख के समझ जाते हो ना ये गर्म है। लेकिन अगर आपको पता नहीं, आपने उसे टच कर लिया, तो आपको क्या होगा, जलन होगा, आपका हाथ जल जाएगा, तो आप फील कर पाओगे कि ये गर्म है। और कोई चीज़ ठंडी है तो आप समझ जाओगे कि ये हाथ लगाने के बाद कि ठंडा है। कोऑर्डिनेशन इन अवर मूवमेंट्स। वी कैरी आउट मेनी टास्क, फॉर एवरी टास्क वी मेक डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट्स। वी यूज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी फॉर दिस डिफरेंट मूवमेंट्स। जब हम हमारे बॉडी को मूवमेंट्स करते हैं तो हम हमारे बॉडी के पार्ट्स, हाथों को यूज़ करते, हमारे अलग अलग बॉडी के पार्ट्स मूवमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। द वुमेन इन दिस पिक्चर इज़ रोस्टिंग सम पीनट्स इन अ पैन। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये वुमेन है और जो है वो कुछ बना रही है। विच पार्ट्स ऑफ हर बॉडी इज़ शी यूजिंग, वो अपने बॉडी के कौन से पार्ट्स का इस्तेमाल कर रही है, अपने हैंड्स और फिंगर्स का इस्तेमाल कर रही है। ही हर हेड इज़ बेंड फॉरवर्ड, और उसका जो हेड है वो सामने से झुका हुआ है, वो उसकी नज़र कहाँ पर है, कढ़ाई में है। शी इज़ होल्डिंग द पैन स्टडी विद द टोंग्स इन हर लेफ्ट हैंड विच विद द स्पैचुला इन हर राइट हैंड शी इज़ स्टेयरिंग द पीनट्स इन द पैन। जो गैस है, गैस के ऊपर कढ़ाई और कढ़ाई में पीनट्स है, एक हाथ में उसके पकड़ है और एक हाथ में चम्मच है, और वो अपना नज़र उस पर रखकर वो पीनट्स भून रही है। थैंक यू।